देखते रहिए यूबीएन 08 ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 18 नवंबर 2018 रविवार को ब्यावरा नगर के मात्र छाया कॉम्प्लेक्स से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजय जगताप अतुल अपने साथियों समर्थकों के साथ एक विशाल रैली निकाली, जिसमें जगह जगह कांग्रेस जनों ने स्वागत किया। ब्यावरा की विट्ठल वाटिका में दिग्विजय सिंह ने संजय जगताप, अतुल जगताप, समाजवादी पार्टी के इश्तियाक भाई, पत्रकार आदि को कांग्रेस की सदस्यता की शपथ दिलाई। फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर रामचंद दांगी, पुरुषोत्तम दांगी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। देखते रहिए यूबीएन 08। बहुत ही ईमानदारी से काम करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था शायद नहीं मिला, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है। वो पार्टी अब ठेकेदारों की पार्टी हो गई है, कंट्रोल के दुकानदारों की पार्टी हो गई है, कमाओ पूतों की पार्टी हो गई है। उन्हें ईमानदार भाजपा में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। भाजपा को जरूरत है तो ऐसे लोगों की जो खूब खाए, खूब खिलाए और जनता को लूटे। इसीलिए आज वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। उनके सभी परिवारजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उन्हें बधाई दूंगा। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबको सब जगह घूमने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने पोलिंग संभालिए और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से मैं कहता हूँ, और हम इतनी जगह है अपने पास, थोड़ा सा पीछे जाओ ना। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण मैंने बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है, और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि सब एकजुट होकर पार्टी का काम करके भाई गोवर्धन सिंह दांगी जी को भारी मतों से विजय बनाइए। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मैं इश्तियाक नबी खान हूँ, समाजवादी पार्टी में प्रदेश प्रमुख महासचिव रहा हूँ। आज आपने सदस्यता ली है कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की सदस्यता मैंने अपने सहयोगियों और साथियों के साथ ली है, और कांग्रेस की सदस्यता लेने का महत्वपूर्ण कारण है कि प्रदेश की 15 साल भ्रष्ट सरकार भाजपा की जो रही है, उसको उसके षड्यंत्रों से, उसकी मक्कारियों से, उसके शोषण से मैं अपने इलाके की जनता को आज़ाद कराना चाहता हूँ। कांग्रेस में माननीय दिग्विजय सिंह साहब और पूरे संगठन के साथ जो संघर्ष भाजपा को सरकार से बेदखल करने के लिए चलाया जा रहा है, मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता था। मेरे मन में था लोगों को न्याय मिले।